जी हाँ, मैं मोहन बारगोला आप सभी का स्वागत करते हैं कॉकटेल जॉकी में। सो मैं यहाँ कॉकटेल बनाने जा रहा हूँ फिजी काइंड ऑफ ड्रिंक है। फिजी हाँ, फिजी मीन्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब सोडा वाटर या आप स्पार्कलिंग वाइन शैम्पेन यूज कर सकते हो फिजीनेस लाने के लिए। सो यहाँ मैं यूज करूंगा सोडा वाटर, होममेड गैराडाइन सिरप। होममेड गैराडाइन सिरप मीन्स गैराडाइन या पोमोग्रेनेट एक ही फल का नाम है जो अनार होगा, जिसमें हम यहाँ यूज कर रहे हैं सिग्नेचर कॉकटेल रो फिज में गैराडाइन जूस या पोमोग्रेनेट जूस, पाइनएप्पल चंक, शुगर, फ्यू स्पाइसेस। ओके, लेट्स मेक। मैं आगे आपको डिटेल बताता जाऊंगा। पहले ग्लास को चिल कर लीजिए। ये सेट, यहां मैंने शेकर लिया, लैम जूस 30 ml, जी हाँ इसकी बात कर रहा था, होममेड गैराडाइन सिरप अराउंड 22.5 ml 22.5, एलेपिनो इंक्रीज टेक्विला, जी हाँ स्टार ऑफ द शो आप कह सकते हीरो। सो एलेपिनो क्या होता है मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम था, आप लोगों को शायद मालूम है ना। फिर भी एलेपिनो ये चिली, एक मिर्ची, एक प्रकार की मिर्ची होती है जो मेक्सिको में काफी पाई जाती है, लेकिन इंडिया में भी होती है, इम्पोर्ट करती है। सो एलेपिनो जलेबिनो भी लोग प्रोनाउंस करते हैं जो कि गलत है। मैक्सिमो अगर आप जाते हो स्पेनिश लैंग्वेज में, जे को एच पढ़ते हैं, डबल एल को वाई, और काफी ऐसे कुछ है। बेसिकली याद रखना एलेपिनो, ओके या अराउंड 60 ml, एलेपिनो इनफ्यूज्ड टेकीला, थोड़ा सा स्टर कर लीजिए, टेस्ट बेहतर। या सो फिजी ड्रिंक में या जो क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, फ्रॉथ देने के लिए हमेशा एग यूज किया जाता है, एग व्हाइट ना कि एग योक, येलो पार्ट नहीं। थोड़ा सा शेक कीजिए, फोड़िए, ये रहा एग व्हाइट। ध्यान दीजिएगा पीला वाला हिस्सा ना जाए, ताकि वो स्मेल भी देता है प्लस कलर चेंज हो जाएगा, आपका व्हाइट टेक्सचर नहीं आएगा। डन, रिवर्स ड्राई शेक पहला, ताकि आपका ड्रिंक का क्रीमी टेक्सचर दे, झाग अच्छी तरीके से आ जाए। या काफी जमा हो चुकी है, अब एक बार आइस डाल के इसको हम डबल स्ट्रेन करेंगे एक हॉटोन से। सो आपकी ग्लास यहां चिल्ड हो चुकी है। सो डबल स्ट्रेन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट हो जाता है कि इसमें कुछ पार्टिकल लाइक फ्रूट्स हम जो भी यूज करते हैं वो मुंह पे लगे ना पीते वक्त, काफी सारे गेस्ट ना पसंद कर सकते, तो आपकी कॉकटेल शायद वहां खराब हो जाए। कुछ आइस क्यूब या और इसको फिज देने के लिए सोडा वाटर हल्के से, या ये रही। हल्के से, अरे छोटी सी एलेपिनो चिली गार्निश में, तो जी हाँ दोस्तों रोहो फिज, एलेपिनो इन्फ्यूज्ड टेकीला से बनी हुई रोहो फिज। रोहो मींस रेड, फिज यानी स्पार्कलिंग की हो सकती है, सोडा वाटर की हो सकती है। ये जो फिज देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है एग वाइट और सोडा वाटर से, प्लीज ट्राई कीजिए। चेस रो फिश। टेकीला के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल और सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी।